Assalamu alaikum, I'm Sanagi and this is the first time I'm doing a book review and I'm very excited for this because I have always wanted to see me doing a book review. और आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी वेरी फेमस द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी. आई मीन दिस इज सो मच वाइट रेड इन द होल वर्ल्ड कि इसके बारे में कहा जाता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी 20 लोगों के ऐसे ग्रुप में एंटर नहीं हो सकते जिसमें से किसी एक ने कम अज़ कम इस किताब को ना पढ़ा हो. And seriously, it is amazing. So आइए start करते हैं. Hi, welcome back. So खालिद हुसैनी एक अफगान बॉर्न राइटर हैं और इस वक्त USA में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं. वैसे पूरी दुनिया के अंदर एज अ नॉवलिस्ट जाने जाते हैं और उनकी जो फाउंडेशन है खालिद हुसैनी फाउंडेशन वो पूरी दुनिया के अंदर रेफ्यूजीज की वेलफेयर के लिए काम करती है. और इस बुक का प्लॉट भी मेनली अफगानिस्तान और USA में बेस करता है. सो द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज इट्स रिचनेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स. आई मीन दिस बुक इज पोस्ट 1960s. पहले हम अफगानिस्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल देखते हैं, उसके बाद हम अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का एंटर होना देखते हैं. देन वी सी कि किस तरह मुजाहिदीन ने लड़ना शुरू किया एंड देन उसके बाद तालिबान ने आके जो तहस नहस किया पूरे अफगानिस्तान का एंड फाइनली जब US ट्रूप्स अटैक कर देते हैं. सो वी सी ऑल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ अफगानिस्तान और किस तरह से एक रिच कंट्री को तबाह बर्बाद कर दिया गया. और इसके साथ साथ कल्चरल एलिमेंट्स, राइटर ने इस कदर मेटिकुलसली प्लॉट को बनाया है, इतनी अच्छी सीन स्केचिंग की है कि हम अफगानिस्तान में ना रहते हुए बहुत विविडली स्टोरी को फील कर सकते हैं. मैं बताते खुद पाकिस्तान का हूँ और मुसलमान हूँ, सो एक रिलीजन कॉमन है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पश्तूनस हैं, सो आई कैन रिलेट टू दैट कल्चर एट सम लेवल. बट इवन इफ़ यू कैन नॉट रिलेट, अगर आप कहीं दूर के भी हैं, वेस्टर्न साइड पे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया या कोरिया साइड के हैं, तब भी आप बुक किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत क्लियर इमेज फील होती है एंड यू कैन फील योर सेल्फ इन साइड द स्टोरी. सो बेसिकली ये स्टोरी आमिर या आमिर जान की है जो बचपन के अंदर अपने मुलाजिम हसन, जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल कर देता है, उसको एक जगह पर धोखा दे देता है और फिर उस चीज़ की शर्मिंदगी गिल्ट उसको पूरी जिंदगी हॉन्ट करता रहता है. ऑब्वियसली मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट द सीन इज प्रीटी इंटेंस एंड द फैक्ट कि वो पहले 50 पेजेस पर ही हो जाता है दैट इज़ वेरी अपसेटिंग. और जैसे कोई भी मूवी देखते वक्त या कोई भी स्टोरी देखते वक्त आप कोई अपसेट या डिस्ट्रेसिंग से सीन देखते हैं तो फील आती है ओके दिस इज़ द क्लाइमेक्स पॉइंट, इट कांट गो एनी वर्स. बिल्कुल वैसे ही उस सीन पर आप ये सोचते हैं, बट दीज आर ओनली 50 पेजेस. उसके बाद प्लॉट ट्विस्ट एंड अगेन प्लॉट ट्विस्ट. स्टोरी इस कदर मूव करती है, इस कदर डायनामिक है कि हर सीन के बाद आप सोचते हैं कि ओके दिस इज़ द मोस्ट अपसेट इट कैन बी, बट बूम कुछ पेजेस के बाद ही यू आर एक्सपीरियंसिंग अनदर प्लॉट ट्विस्ट एंड द मोर अपसेट मोर डिस्ट्रेसिंग वन. सो इट रियली कीप्स यू एट द एज ऑफ योर चेयर और आपके जो इमोशंस हैं वो मुसलसल हाई रहते हैं, यू कॉन्ट रियली गेट ऑफ दिस बुक. Another thing I really like about this book is कि इसके जो characters हैं they are full of humanity. I mean आमिर का जो servant है हसन, he is such a positive person and he is so loyal कि वो आमिर के लिए जान की बाजी लगा देने से भी बाज नहीं आ सकता. इनफैक्ट एक जगह पर आमिर उसको पूछता है कि तुम उसे झूठ बोल रहे हो, तो he replies I would rather eat dirt, यानी कि तुमसे झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं इस मटके को मुंह में डाल के चबा जाऊँ. और फिर ये जानते हुए भी कि आमिर ने उसको बिट्रे किया है, ये जानते हुए भी कि आमिर ने उसको धोखा दिया है, हिज लॉयल्टी नेवर वेयर्स ऑफ, वो उसको वैसे ही प्यार करता रहता है. और फिर स्टोरी के एंड पर जब आमिर को पता चलता है कि उसने अपने बेटे को भी मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. एंड अनदर थिंग अबाउट दिस बुक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ओवरकमिंग इवल. आई मीन स्टोरी के एंड पे हम देखते हैं कि आमिर इज़ रियली ट्राइंग टू लेवल एवरीथिंग, ही इज़ वेरी ट्राइंग के जो उसने एक्ट ऑफ बिट्रेयल किया था उसको किसी तरह से लेवल कर सके. वो जितनी मुसीबतें झेलता है मेंटली भी फिजिकली भी, वापस अफगानिस्तान जाता है, तालिबान के हत्या चढ़ता है और उसको जितनी कुट पड़ती है, दोज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आर ओनली बिकॉज देर इज ऑलवेज अ वे टू बी गुड अगेन. एंड येस आई एम कोटिंग दिस फ्रॉम द नॉवल. उसके अलावा एक पर्टिकुलर चीज़ जिसने मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सच लिटिल चिल्ड्रन. आई मीन हसन और हामिद जब छोटे छोटे से हैं, खालिद हुसैनी ने तब की उनकी लाइफ स्टोरी लिखी है और इतने खूबसूरत अंदाज में बच्चों की सोच को बताया है कि वी कैन रियली फील देम. हम फील कर सकते हैं कि छोटे बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, हम फील कर सकते हैं कि हम जब उसको डांटते हैं या तारीफ करते हैं या इनक्रेज करते हैं तो उस बच्चे को कैसा फील होता है.
और ये सारी चीज़ें मिलकर उसको कैसे हेल्प करती हैं उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, उसको उभारने में या उसको मज़ीद दुबाने में। और बच्चों में बाज़ूकात पेरेंट्स की मोहब्बत सोने का किस कदर प्रेशर होता है, इन चीज़ों को कितना विविडली इसने लिखा है, स्पेशली इमोशनल लेवल पे, दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आई रियली एंजॉयड रीडिंग इट। आई मीन इट केप्ट माई इमोशन सो हाई कि मैंने ये 2 हफ्ते पहले बुक पढ़ी थी एंड आई कुडंट डू दिस बुक रिव्यू बिकॉज 2 हफ्ते मुझे लगे अपने इमोशंस को, अपने मेंटल लेवल को दोबारा से लेवल पे लाते हुए, स्टेबल होते हुए। एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस लॉजिकली, मैं इमोशंस के अंदर बह कर नहीं था बुक रिव्यू करना चाह रहा। एंड देन कम्स द एंडिंग दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। आई मीन एंड की बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की जा सकती हैं, एंड कुछ ऐसे भी किया जा सकता है कि उनकी लाइफ जैसी थी फिर वैसी ही चलती रही, या उससे बहुत बेहतर हो गई, या दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि खालिद हुसैनी ने लूप को बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीट किया। सर्कल जो था पूरे प्लॉट का, पूरे स्टोरी लाइन का, दैट वॉज परफेक्टली एंडेड। आई मीन कोई भी बुक ख़त्म करने के बाद माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं, ओके उसके साथ क्या हुआ था, ओके उस करेक्टर के साथ क्या हुआ था, बट दिस बुक वॉज कम्प्लीट। इट हैड लव, इट हैड फैमिली, इट हैड कल्चर, इट हैड एवरी थिंग, इट हैड फन एलिमेंट्स, बट मोस्टली इट वॉज वेरी वेरी अपसेट, बट इट वॉज वेरी इंजॉयबल टू रीड। एंड दैट वॉज इट। आई होप टू कंटिन्यू मेकिंग बुक रिव्यूज। अगर इस बुक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, जिंदगी में गुजारा, लाइफ गोज़ ऑन। अल्लाह हाफिज़।